दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबॉय कहे जाने वाले रणबीर कपूर हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको रणबीर कपूर की कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में ही बताने वाले हैं। रणबीर कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए कम और अपनी लव लाइफ और अपने कैसानोवा पर्सनालिटी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रणबीर कपूर की अब तक 11 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और इसके अलावा भी रणबीर कपूर के बहुत से ऐसे अफेयर्स हैं जो दुनिया के सामने नहीं आते, क्योंकि रणबीर कपूर को कमिटमेंट फोबिया है जिस वजह से वो अपनी किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पाते। और एक और प्रॉब्लम है कि रणबीर लॉयल भी नहीं रह पाते। कई हीरोइनों के साथ रणबीर रिलेशनशिप में रहे हैं लेकिन वो चीट करते पाए गए हैं और इसी वजह से ये किसी रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। रणबीर कपूर अपने पापा ऋषि कपूर की तरह ही बिंदास हैं। ये किसी से पंगा लेने से पहले सोचते नहीं। बॉलीवुड के दबंग खान जिनसे पंगा लेने से पहले हर कोई सोचता है, रणबीर कपूर ने बॉलीवुड फिल्मों में अपना करियर शुरू करने से पहले ही सलमान खान से एक पार्टी में पंगा ले लिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि सलमान खान ने रणबीर को थप्पड़ तक मार दिया था, जिस वजह से रणबीर कपूर और सलमान खान के परिवारों के बीच में अनबन हो गई थी। लेकिन बाद में सलीम खान ने रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर से सलमान खान की ओर से माफी मांगी थी। लेकिन फिर भी सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच हमेशा एक टकराव देखने को मिला, फिर चाहे वो किसी भी वजह से हो। रणबीर कपूर के कटरीना कैफ को डेट करने की वजह से भी सलमान खान और रणबीर के बीच कभी रिश्ते ठीक नहीं हो पाए। वहीं रणबीर कपूर का जब दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप हुआ तो वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर निकली थी, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने रणबीर को चीट करते हुए पकड़ा था। हालांकि रणबीर कपूर के बहुत मनाने के बाद दीपिका ने उन्हें सेकंड चांस तो दे दिया, लेकिन रणबीर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और जब दीपिका ने दूसरी बार रणबीर को चीट करते हुए पकड़ा तो उन्होंने उनसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर लिया। वहीं एक और ऐसी खबर थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। आपने देखा होगा कि रणबीर कपूर ने संजू फिल्म में संजय दत्त का रोल कितने बखूबी निभाया था, लेकिन वहीं संजय दत्त ने एक पार्टी में रणबीर कपूर का मजाक उड़ा दिया था। संजय दत्त ने कहा था कि तुम्हें माचो रोल्स करने चाहिए, तुम्हारी फिल्म बर्फी देखने के बाद मुझे लगा कि तुम ऐसे रोल कर भी कैसे सकते हो, तुम इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बर्फी में तुम्हारा रोल बिल्कुल बकवास था, तुम्हें मर्द बनना चाहिए और थोड़े माचो रोल्स करने चाहिए। वहीं दीपिका पादुकोण के साथ जब वो रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने सीक्रेटली कटरीना कैफ को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन रणबीर हमेशा अपने रिलेशनशिप्स को दुनिया के सामने लाने से कतराते थे। तो वहीं जब उनकी और कटरीना कैफ की बीच पर बिकिनी में फोटोज वायरल हुई तब लोगों को पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कटरीना की वजह से ही सलमान और रणबीर का रिश्ता कभी सुधर नहीं पाया, इसीलिए सलमान ने अपनी छोटी बहन अर्पिता की शादी में कटरीना कैफ को तो इनवाइट कर लिया था, लेकिन रणबीर कपूर को उन्होंने कतई इनवाइट नहीं किया। और इन्हीं सबका बदला लेने के लिए रणबीर कपूर ने सलमान खान के शो बिग बॉस में अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना बंद कर दिया था। फिल्म रॉक स्टार के टाइम पर भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में रणबीर फंसे थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि रॉक स्टार फिल्म के दौरान उन्होंने ड्रग्स लिया था। उनका कहना था कि एक सीन को करने में उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लिया फिर उसके बाद जाकर वो सीन शूट किया। रणबीर कपूर ने ये बात भी कबूली है कि 15 साल की उम्र से उन्हें ड्रग्स की लत थी, जिसकी वजह से उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी जाना पड़ा था। लेकिन उनकी ड्रग्स की लत तो छूट गई थी, पर शराब और सिगरेट की लत उनकी कभी नहीं छूट पाई। कॉफी विद करण में जब दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर एक साथ नजर आए थे तो भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सोनम कपूर ने भी एक समय पर रणबीर कपूर को डेट किया था और उनका एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा होगा। तभी उन्होंने शो कॉफी विद करण में कहा था कि रणबीर कपूर एक दोस्त तो बड़े अच्छे हैं, पर बॉयफ्रेंड कैसे हैं ये मैं नहीं बता सकती। हैट्स ऑफ टू दीपिका कि उन्होंने इतने टाइम तक रणबीर को झेला। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी इसी शो में एक ऐसा बयान दे दिया था जिसने सुर्खियां बटोर ली थी। दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर की जो कैसानोवा पर्सनालिटी है उसको देखते हुए उन्हें कॉन्डम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। रणबीर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप की वजह से जग्गा जासूस फिल्म पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उसकी शूटिंग बहुत ज्यादा ही डिले हो गई थी
और इसके अलावा जग्गा जासूस फिल्म में ही गोविंदा का भी एक कैरेक्टर था, लेकिन गोविंदा को बिना बताए उस कैरेक्टर को उस फिल्म से काट दिया गया था, जिसके बाद रणबीर और गोविंदा के बीच भी मनमुटाव हो गया था। रणबीर कपूर भी अपने पापा ऋषि कपूर की तरह ही बेहद गुस्सैल मिजाज वाले हैं। इसका एक नजारा तब था जब एक बार रणबीर कपूर को उनके बचपन के बेस्ट फ्रेंड आयान मुखर्जी के साथ देखा गया था, लेकिन उस समय रणबीर का शायद मूड कुछ ठीक नहीं था, तो उन्होंने पापाराजी से बहुत बदसलूकी की, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी और उनके कैमरे भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। वहीं रणबीर कपूर ने एक बार और सुर्खियों में अपनी जगह बनाई थी जब उनका और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का साथ में सिगरेट पीते हुए एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुआ। ये फोटो उनके किसी फैन ने क्लिक कर इंटरनेट पर पोस्ट किया था। इसी से पता चला कि रणबीर कपूर सीक्रेटली माहिरा खान को डेट कर रहे हैं। ये फोटो रणबीर कपूर और माहिरा खान का सीक्रेट वेकेशन का था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और इनकी ये फोटो इंटरनेट पर लीक होने के बाद बहुत बवाल मचा था। हाल ही में रणबीर कपूर एक और कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आए थे, जहां एक पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें और भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नजर आए थे, और खबरें मिली थी कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। रणबीर कपूर आए दिन अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। रणबीर कपूर जहां पहले ही ये बता चुके थे कि 15 साल की उम्र से ही वो ड्रग एडिक्ट थे, वहीं उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी वर्जिनिटी भी खो दी थी। अब भला ऐसी बातें पब्लिकली कौन बोलता है, ये तो सिर्फ रणबीर ही कर सकते हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल में ही AIB को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने ये बात कबूल की कि उन्होंने ड्रग्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और आज भी वो ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से रणबीर बहुत मुसीबतों में फंसते हुए नजर आए थे और उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था। रणबीर के इस बयान ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। रणबीर कपूर ए दिल है मुश्किल फिल्म में ऐश्वर्या के साथ निभाए गए अपने रोल की वजह से काफी सुर्खियों में आ गए थे। इन दोनों की आपस में बढ़ती नजदीकियों को देखकर हर किसी के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि रणबीर कपूर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है कि वो शादीशुदा औरतों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और वहीं रणबीर कपूर ने एक बयान दिया था कि मुझे ऐश्वर्या राय पर हमेशा से क्रश था और जब मुझे उनके साथ ये रोल करने का मौका मिला तो मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। उनके इस बयान ने भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से कपूर और बच्चन परिवार के बीच काफी अनबन हो गई थी और फिर इसके बाद रणबीर को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी, तब जाके ये मामला ठंडा हो पाया था। AIB नॉकआउट, जिसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, जिसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने हिस्सा लिया था, रणबीर कपूर उसको सपोर्ट करते हुए भी नजर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी खबरें जिनकी वजह से रणबीर कपूर कंट्रोवर्सीज का कई बार हिस्सा बने। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।